हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रैवल इंडिया विद नरेंद्र। दोस्तों, इस समय मैं हूँ पुरी स्टेशन पर और आज की वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं जगन्नाथ पुरी की। तो दोस्तों, सबसे पहले जगन्नाथ पुरी के दर्शन के लिए हमें जिस रेलवे स्टेशन पर आना है वो है पुरी स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेशन पर लगभग सारे बड़े सिटीज से ट्रेनें टच होती हैं। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने सिटी से पुरी तक के ट्रेन देख लें। दोस्तों, पुरी स्टेशन पर उतरने के बाद सबसे पहला काम जो होता है आपका वो है होटल खोजना। दोस्तों, यहाँ पे बीच के किनारे का होटल ये आप ले, बीच के किनारे होटल लेने पे आपको मंदिर जो है करीबन वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो होटल है वो मंदिर के आसपास देखें। इससे क्या होगा कि आप शाम की आरती भी देख सकते हैं और दिन की आरती। हमने यहाँ मंदिर के बगल में ही होटल लिया है जिसका नाम है श्रीपद वाटिका। अगर इसके रूम चार्ज की मैं बात करूं तो 1000 रुपीज़ नॉन एसी रूम का चार्ज। दोस्तों, ये है हमारा होटल, नॉन एसी रूम है जो कि 1000 रुपये में हमें मिला है। और अगर इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन होटल है। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आप ऑनलाइन होटल बुक करके ही आएँ, क्योंकि यहाँ सीज़न के दिनों में, मतलब जब मंदिर भीड़ होता है, तो होटल नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हम जो है यहाँ पर सुबह ही आ गए थे 4 बजे होटल में। उसके बाद हमने नहा कर फ्रेश होकर मंदिर जाने की तैयारी की है और ये आप देख सकते हैं रास्ते में, मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं और इस समय पुलिस जो है उड़ीसा पुलिस वो रोड पे हैं हाजिर, ताकि आपकी सिक्योरिटी में कोई भी कमी ना हो, ठीक है, आपको किसी तरीके क्षति ना हो। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने जो है वो जगन्नाथपुरी का टेम्पल दिख रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मंदिर में मोबाइल और जूते आपको अलाउ नहीं है, तो आप मंदिर के बगल में ही बहुत सारे जूते, चप्पल और मोबाइल के काउंटर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का व्यू कितना प्यारा है, लोग आरती कर गा रहे हैं जगन्नाथपुरी जी की। ये देखिए सामने हमारे मोबाइल काउंटर है, जूता चप्पल काउंटर है। यहाँ पे आप जूते चप्पल जमा कर दें, मोबाइल भी जमा कर दें और यहाँ से आप लाइन लग सकते हैं जगन्नाथपुरी जी ये मंदिर के लिए। दोस्तों, देखिए हमारे सामने जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। अभी दोस्तों आरती का समय है तो हम भी चलते हैं, लाइन में लगते हैं और सुबह सुबह की आरती का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, तो हमने दर्शन कर लिया, दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, ज़्यादा भीड़ नहीं है आज के दिन, क्योंकि हम वीकडेज में यहाँ आए थे तो ज़्यादा भीड़ वीकडेज में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ वीकेंड में भीड़ ज़्यादा ही होती है। तो दोस्तों, अब दर्शन के बाद आप भी ये दर्शन कर लीजिए, दिन का दर्शन है। अब हम चलते हैं होटल पर, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बीच घूमने जाएंगे, उसका भी वीडियो मैं आगे आपको जरूर दिखाऊंगा। चल दोस्तों, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं गोल्डन बीच की ओर। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऑटो फेयर जो है बहुत ही महंगा है। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए यहाँ पे ऑटो जो है 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो हम पैदल ही बीच की तरफ बढ़ चले हैं। देखिए दोस्तों, बीच पर आ गए हैं, अभी दोपहर का समय है, 3-4 बज रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर दुकानें जो हैं बंद है, 5 बजे के बाद ये दुकानें खुलती हैं। पर हम चलते हैं बीच पे, आनंद उठाते हैं समुद्र की लहरों का। आप चाहे दोस्तों तो यहाँ से शंख,
भी खरीद सकते हैं। यहाँ का संख बहुत ही फेमस होता है और ओरिजिनल संख यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। दोस्तों हमने बीच पे खूब मस्ती करी और अब हम लौट रहे हैं अपने होटल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी फूड्स ये सब भी अवेलेबल होते हैं शाम के टाइम। अगर आप भी खाना चाहें तो यहाँ से सी फूड लेके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और देखिए हम यहाँ पे शंख खरीद रहे हैं अपने घर के लिए। आंटी ये शंख बजा कर हमें दिखा भी रही हैं कि ओरिजिनल शंख है। बीच पे दोस्तों बच्चों के खेलने के भी सारे प्रबंध उपलब्ध होते हैं। अगर आप बच्चे को लेके आ रहे हैं साथ में तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके लिए टॉयज ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज के सफ़र में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों।